अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय सना सफीनाज। ये सना सफीनाज का फेस्टिव कलेक्शन है, एक तो अभी लॉन्च हुआ है, इससे पहले का कलेक्शन है ये। और इसकी प्राइस है 25,990 रुपीज़, दैट मीन्स 26,000। हमने इसको कस्टमाइज स्टिच किया है। अच्छा, इनले कार्ड का जो है वो टेलर ने थोड़ा कचूमर निकाल दिया, बट लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, डबल एक्सल साइज़ है ये, और इसका जो है डबल एक्सल बनाने में थोड़ा सा बॉर्डर्स तो इससे काफ़ी हैं। ये दो बॉर्डर्स हैं सेपरेट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बहुत ही नीटली एप्लिक हुआ है, जो कि पता ही नहीं चल रहा मेरे पास जो है। ज़ाहिर है ये अनस्टिच था तो मुझे इसका पता है। और फिर यहाँ से लेकर, इनफैक्ट ये एक ही बॉर्डर, अच्छा सॉरी जी, ये फ्रंट का एक्चुअली एक ही बॉर्डर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये एप्लिक हुआ है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त नीटली एप्लिक हुआ है यहाँ से, तो ये पता भी नहीं चल रहा है इसका। और ये सारे ही सना सफीनाज के कपड़ों में ऐसे ही था कि बॉर्डर्स दिए हुए थे, बट इसके फिर भी फ्रंट के बॉर्डर्स थोड़े कम थे। अच्छा, इसकी टू शेडेड लाइनिंग है, जो कि सिर्फ यहीं तक ही आई, और पिक्चर में भी यहीं तक ही, ये इन्होंने इसके साथ ही इंक्लूड थी। इनफैक्ट थ्री शेडेड है, बट ये वाला और ये वाला शेड थोड़ा कम ही फ़र्क है, जो है ऊपर का शेड थोड़ा लाइट है। उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी जो है इसके ऊपर ही हुई हुई है। अच्छा, इसका जो है एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ बनाने के लिए साइड से ये कम हो रहा था, पूरा नहीं हो रहा था, तो हमने जो इसका बैक का फैब्रिक है उसकी साइड पे पैनल ऐड कर दिए। लेकिन बॉर्डर की चौड़ाई काफ़ी थी, तो बॉर्डर में कोई जोड़ नहीं आया, बॉर्डर की चौड़ाई काफ़ी थी, बट ये ऊपर जो है चाक से, इनफैक्ट चाक से भी नीचे, जस्ट बॉर्डर के ऊपर से जो है ये नहीं बन रहा था। तो हमने बैक के फैब्रिक के इसमें पैनल्स डाल दिए छोटे छोटे, ताकि डबल एक्सरसाइज बन जाए। और उसके बाद जो है बैक पे प्लेन नेट लगाइए, जो कि मैं दिखाती हूँ आपको। उसके बाद ये पर्ल्स वगैरह, हैंड टचिंग, ये सब इसके ऊपर ही हुई हुई है। इसका गला जो है ऑलरेडी बना हुआ था, बस जस्ट आउटलाइन करवाइए, यानी कि कट वर्क करवाया है, वरना तो ये बस डिज़ाइन इस तरह का पिक्चर में था, बट आउटलाइन नहीं करवाते तो फिर ये लुक नहीं आता। दुपट्टे गले पे इस तरह से आउटलाइन करवाई है। उसके बाद स्लीव्स में हमने लाइनिंग लगाई है, और ये वाला हिस्सा स्लीव्स का ये यहाँ से एप्लिक हुआ है। और अच्छा, एज पर जो है ये क्रिस्टल, इसकी सॉरी पर्ल्स की लेस लगा दी, और यहाँ से ये बहुत ही नीटली एप्लिक हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जो पिंक कपड़ा लगा हुआ है, ये सैटिन का फैब्रिक है, जो कि इसके साथ ही इंक्लूड था, और उसको सिर्फ स्लीव के अंदर ही पलटा लगाया। और स्लीव्स में हमने शिफॉन की लाइनिंग लगाई, तो ये इसका फ्रंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद इसका बैक, अच्छा बैक का भी यही है कि ये वाला, अच्छा बैक के दो बॉर्डर्स हैं, ऑलराइट, जो मैं कह रही थी फ्रंट बैक का, यहाँ से लेकर एक बॉर्डर है और फिर ये वाला अलग बॉर्डर है, तो ये दो बॉर्डर एप्लिक हुए हैं, एक बॉर्डर यहाँ से एप्लिक हुआ और फिर ये वाला भी एप्लिक हुआ। शुक्र है कि फ्रंट पे फिर भी कम था, और बैक पे ये कटवर्क के बाहर भी आउटलाइन करवाइए, ताकि ये जो है ये मज़बूत हो जाए। उसके बाद इस तरह, अच्छा इसकी साइड्स पे जो नेट है, ये हमने प्लेन नेट डाई करवाई, अदरवाइज़ तो इसका साइज़ कंप्लीट नहीं हो रहा था। अलबत्त ये बहुत अच्छा एडजस्ट हो गया, एक्चुअली अभी इसको फोल्ड किए रखा था, तो इसकी इस तरीके का बेड़ा गर्क हो गया, अदरवाइज़ तो ये ठीक बन गया है डबल एक्सल साइज़ पे आराम से। तो बस ये साइड में छोटे छोटे पैनल आए हैं प्लेन, अदरवाइज सेंटर जो है वो सारे एम्ब्रॉयडर्ड है। यहाँ से फैब्रिक लेकर हमने फ्रंट पे लगाया था, तो इसका मतलब है कि बैक का फैब्रिक पूरा था, फ्रंट का कम था। तो ये शर्ट कंप्लीट हो गई, और इसकी लेंथ भी जो है वो काफ़ी लंबी है, मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक 50 इंचेस, हाँ लेंथ इसकी 50 इंचेस आराम से बन गई है। तो ये शर्ट कंप्लीट हो गई, दुपट्टा इसका काफ़ी खूबसूरत है, और दुपट्टा जो है इसके ऑल साइड्स पे कटवर्क करवाए हैं, नॉट ऑल साइड्स सॉरी, लॉन्ग साइड्स पर। एक्चुअली ड्रेसेस इतने होते हैं कि मैं भी कई चीज़ें भूल जाती हूँ। इसको इनफैक्ट ये दोनों ही साइड पर कटवर्क हुआ है, दोनों ये बॉर्डर सेपरेट थे, दोनों साइड पर जो है कटवर्क हुए हैं, और पल्लों पर इसके इस तरह का कुछ प्रिंट है इस तरह। अच्छा, पल्लों पर इसके जो है वो लेस एक्चुअली अभी लगनी है, टेलर शायद भूल गया, बट इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो इसके
पल्लू पर जो है वो लेस लगेगी पर्ल्स की। ये हो गया इसका दुपट्टा और पैंट इसकी। अच्छा क्लियर दिख नहीं रही थी कि पैंट के ऊपर क्या है, तो हमने जस्ट स्ट्रेट सिंपल पैंट बनाई है। और ये लाइट कलर है, तो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि लाइट कलर में जो है हम लाइनिंग लगाते हैं, उससे ये कि इसका लुक भी अच्छा हो जाता है और सी थ्रू भी नहीं रहता। आई एम सो सॉरी, ड्रेसेस की एक्चुअली काफ़ी बुरी हालत हो रही है क्योंकि ये फोल्ड किए हुए रखे थे मेरे पास, तो मुझे वीडियोस शेयर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली आई गॉट सम टाइम, तो अब जो है ये इस वजह से काफ़ी मले हुए हैं। सो दैट्स इट, ओवरऑल इट्स अ नाइस ड्रेस बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है स्टिचिंग, और प्राइस आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है, तो नॉट रियली इम्प्रेसिव बट इट्स फाइन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।